अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंथ लंदन खाहोड़ी खरा सुधे खबर पखिया सुजे जिन कया मथे अंगण आहिरा भलारे भिटदन जे भलारे बैत सा मुझी आवाज मुसाफिर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन त थिए दुनिया जी कुंड कुड़छ ताई जंहिंजा माग बुझे पियो रण मिरणी मेहरबानी खे सिक भरियो सलाम शाल कबूल पवे। 18 अप्रैल 2022 सूमर जे ॾींहुं प्रोग्राम सोच वीचार साण करे आऊं अवां जी ख़िदमत में हाज़ुर अवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआति में अवां लाइ इहा ई दुआ त शाल जित हुजो सुख सलामती सां हुजो कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अवां जूं मुरकूं मेरियूं न थियनि। सोच वीचार में अॼु असीं STP पारां कोठायल क़ौमी कॉन्फ्रेंस अवामी तहरीक जे PPI मुतहदा जे मुआदे ख़िलाफ़ कयल मार्च ऐं सिंध जे हालतुनि समेत जग जहां जूं ख़बरूं अवां जी समातन जी नज़र कंदासीं। नामियारे लेखक ॾाहे ऐं कुंभरस अॻवान अब्दुल वाहिद आरिसर जे किताब तकरीर मां चूंड तकरीर, नवाज़ कुंभर जे किताब भिटाए जा गायल पालतू जानवर ऐं पखी मां ॾांद बाबति ख़ूबसूरत लिखणी, दिलीप दोषी जो लेख एहसास महरूमी वेगाणप ऐं आत्महत्या ऐं सहाफ़ी नियाज़ अहमद भट्टी जे इलाज जी अपील अवां जी ख़िदमत में पेश कंदासीं। सभु खां पहिरियां प्रोग्राम में पेश करियूं था ख़बरूं। सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जी मेज़बानी हेठि हैदराबाद में सिंध क़ौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कई वई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जे माण्हुनि कुंप्रस जमायतनि जे अॻवान तुड़े कारकुननि साजा वंदन अदीबनि शाइरनि वकीलनि ऐं सहाफ़ियुनि ताज़ो MQM पीपल्स पार्टी नवाज़ लीग विच में थियल मुआदनि खे रद्द करे छॾियो। कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे सिंध तरक़ी पसंद पार्टी जे चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी चयो त PP ऐं MQM विच में थियल मुआदे जो पहिरियों नतीजो इहो निकितो आहे त सिंध में पहिरियों भेरो सिंध जो चीफ सेक्रेटरी नसल परस्त आयो आहे। हाणे हर आफ़िसर जी मुक़ररी बदिली उहो चीफ सेक्रेटरी कंदो। हुन चयो त सिंध ऐं बलूचिस्तान जा नौजवान गुम आहिनि, पर तव्हां दहशतगर्दनि जे केसनि खे ख़तमु करण जूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहियो, तव्हां जी हिन पॉलिसी खे क़बूल न कंदासीं। पीपल्स पार्टी सिंध जे माण्हुनि खे पिनण ते मजबूर कयो आहे। PP करप्शन करण खां पोइ हाणे आख़िरी वार असांजे तारीख़ी वतन ते कयो आहे। हुन चयो त आसिफ़ ज़रदारी सिंध खे विरिहाइण वारी साज़िश जो हिसो आहे। बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत खां पोइ पहिरीं हुकूमत में आसिफ़ अली ज़रदारी उन ॻाल्हि जो सबूत ॾिनो त हुननि बीठो मकानी निज़ाम लागू करे अमली तौर ते सिंध खे विरिहाइण जो बुनियादु विधो हो। हुन चयो त असां सिंधीअ निंदणका न आहियूं, असीं किरोड़ी इंसान आहियूं, पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त कंदासीं। हुन चयो त असीं कोशिशि करे रहिया आहियूं त सिंध जो गॾियल पार्लियामानी अलायंस जुड़े जेको हुननि पार्टियुनि जो मुक़ाबिलो करे। क़ौमी अवामी तहरीक जे सदर याद लतीफ़ पलीजे चयो त शहबाज़ शरीफ़, तव्हां वज़ीर आज़म थिया आहियो, पर सिंध जे माण्हुनि खे पाकिस्तान जे वज़ीर आज़मनि खां उमेद न रही आहे, छो त सिंध संदन एजेंडा ते नाहे रही। बेतमादी वारी रिथ जी कामयाबी लाइ तव्हां जेके MQM सां मुआदा कया आहिनि उहे पढ़िया विया आहिनि या रुगो ईअं ई तहरीक जी कामयाबी लाइ सहियूं करे छॾियूं अथव। हुन चयो त शहबाज़ शरीफ़ तव्हांजी हुकूमत में ई 9-0 ते ऑपरेशन करे मुल्क दुश्मन मनसूबनि जो सॼो रिकॉर्ड हथ कयो वियो हो। अॼु तव्हां हुननि सां मुआदा करे रहिया आहियो, तव्हांखे हुन ते वज़ाहत करणु घुरिजे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट खे आइन ऐं क़ानून खां मथां हिन मुआदनि ते पाण मुरादो नोटिस वठणु घुरिजे। सिंध यूनाइटेड पार्टी जे सदर सैद ज़ैन शाह चयो त मजमूई तौर ते सिंध जो वोट क़ौमी गैरत जे लाइ अचे त उनखां वधीक बि का सुठी ॻाल्हि थी न थी सघे। ताज़ो थियल मुआदनि खां पोइ 2013 जीअं सिंध जा माण्हू भरपूर एहतजाज जी मज़ाहिमत जो इरादो रखनि था। असां हर फोरम ते एहतजाज करण लाइ तयारु आहियूं। 73 जो आइन क़ौमी वहदतनि जो इनकारी आहे। हीअ असांजी क़ौमी वहदत खे नथा मञनि, उन करे ही इंतिज़ामी यूनिटनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। नौकरियुनि ॾियण जा मुख़ालिफ़ न आहियूं, पर पीपल्स पार्टी जो रिकॉर्ड आहे त हूअ मेरठ जी लताड़ करे थी। डोमिसाइल जे हवाले सां असां चऊं था त सिंध जा माण्हू सिंध जे कंहिं बि शहर जो डोमिसाइल ठाराए सघनि था। डोमिसाइल में सियासी मुदाख़लत न कई वञे। नामियारी लेखकार नूरुल हुदा शाह चयो त इस्टेब्लिशमेंट जा शुरू खां वठी सिंध जे हवाले सां केतिरा ई टूल्स रहिया आहिनि।
सिंध के भित से लगाण लाए उन प्लानिंग थी रही है। एस्टेब्लिशमेंट के रवैये प्लानिंग से असा गाल घुर्जे उन खिलाफ आवाज़ उथारण घुर्जे उन सिंध के कुमप्रस्तन सियासी धुरन दा यो क्रेडिट वन थे तो उन्होंने कालाबाग जड़े मनसूबे खिलाफ तारीखी किरदार अदा किया। कुमप्रस्त तंजीम के अगवान के घुर्जे तो हुआ पंजे कारकुनन की तरबियत कन एक बे के खिलाफ गद्दार ज सर्टिफिकेट न दियण घुर्जन अड़ा रवैया सिंध के नुकसान पहुंचाए रहा है। नामियारे दानश्वर प्रोफेसर एजाज कुरैशी पाकिस्तान ठहण का वी उनकी नज़र कराची से रही है। 48 का कायदे आजम लियाकत अली खान कराची के जुदा कर छो हो उन जेके मुआदन जो गालू करे पंजे फतेह जो ऐलान कर रहा है उसे सिंध में रुगो 18 सैकड़ो आन उन्हें तो मुआदन में इंतजामी यूनिटन की गाल करण जो मतलब भी यो ही है तो कराची के अलग करना चाहन था। नामियारे दानश्वर प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी सिंध PPMQ में नवाज लीग विच में थियल मुआदन के आइन कानून आलमी असूलन के खिलाफ समझे थी। सिंध तारीखी वतन है वो असा सिंधन जो आलमी असूलन मूजिब एक मंजिल मौकिफ है भले असेंबलियों खड़ी कड़ा भी कानून बिल पास कर छन पर सिंध जहा मू यो हक रखन था तो अड़न कानून बिलन मुआदन के रद्द कन पोरे तो मजाहिम के अगवान सैयद मसरूर शाह सिंध के नस्ली बुनियादन से विराए वेड़ाए रखनी इन्हन जो मकसद है। इन्हन मुआदन में यो तासर मिली रो है तो बहराड़ी सिंध तवाज शहरी सिंध असाजी है असा चाहूँ था तो एक निज़ाम हुए जो सजी सिंध में एक जड़ो लागू हुए। यूथ एक्शन कमेटी की अगवान सिंधु नवाज गांगरो सिंध से जडे भी दुख वक्त आयो है सिंध के मान गड थी मुकाबलो किया है। सिंध दोस्त जमायतन के गडियल हिकमत अमली से कराची में पावर शो करण घुर्जे। सिंध हारी कमेटी के सदर समर हैदर जतोई पीपल्स पार्टी जडे का इकतदार में आई है सिंध के फुरलूट का सिवाय भी कुछ भी न डिनो अथस। ताज़ो हाँ इतिहाद में सब चोर गड थन जो सिंध जो सौदो कर रहा है। अवामी जमहूरी पार्टी के सदर लाल शाह पाकिस्तान के वजूद में अचान का वी सिंध के खिलाफ साजिशों थन्दू रही अज भी जो साजिशों थी रही उन सिलसिले जो तसरसल हैं। सिंध की क्यादत सदाई गड रही है उन मुआदन के खिलाफ अस गजी जदोजहद कदी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह मोहम्मद आलम बिरोही वतन दोस्त पार्टी के अगवान गुलशेर शर सिंध सागर पार्टी के अगवान अब्दुल मोमन मेमण डॉक्टर अयूब शेख साफी महेश कुमार नहमत खोड़ो एडवोकेट केबी लिगारी बिन पिण खिताब कयो। इंतजामी यूनिटन के नाले में सिंध के विरहण वाली PP नवाज लीग MQM के ठाह खिलाफ अवामी तहरीक के सद से वरे तैदाद में सिंधियाणियों बार नौजवान बुढ़ा सख्त गर्मी में हैदराबाद के रस्तन से अची व्या एतजाजी मार्च कयो। गुल सेंटर का निकतर रैली मुख्तलिफ रोड चौंकन का थी प्रेस क्लब से पहुंती जिते जलसो किया वो एतजाजी रैली में वरे अंग में सिंधियाणियों शरीक हुई। एतजाजी रैली की अगवाणी अवामी तहरीक के मरकजी सीनियर नायब सदर अब्दुल कादर रांटो मरकजी जनरल सेक्रेटरी नूर कात्यार अवामी तहरीक के मरकजी नायब सदर हुरुन निसा पलीजो लाल जरवार सभानी डाहरी डॉक्टर दिलदार लिगारी आतिफ मला साजदा एतजाज गांचो ए बिन अगवान अगवाणी कई। अगवाण चयो तो सिंध हजारे साल का सिंधियों जो कौमी वतन है। इंतजामी यूनिट के नाले में सिंध के विरहण वारा पीपल्स पार्टी नवाज लीग जा MQM से कल अलग अलग मुआदा सिंध के वजूद से वार हैं। अगवान चयो तो सिंध सिंधी कौम जो वजूद खतरे में आए एक पासे सुप कार्ड का सिवाय आदमशुमारी कराए सिंध में गैर कानूनी तौर रहंदड़ लखें अफगानिन बिहारिन बर्मियन बंगालियन हिंदुस्तानियन बिन धारण के गणप में आड़े सिंधी कौम के दायमी तौर से अकलियत में तब्दील कयो पियो वञे। तबे तरफ वरी इक्तदार की लालच में अची MQM से इतिहाद करे इंतजामी यूनिटन के नाले में सिंध के विरहण समेत सिंध ए सिंधी कौम दुश्मन मुतालबा मंजूर करे सिंध के वजूद से वार कयो वियो आहे। अगवाणन वधिक चयो तो आदमशुमारी में सुप कार्ड जो शर्त खत्म करे सिंध में गैर कानूनी परडेहन के गण्य पियो वञे। कोटड़ी का हेठ पानी नथो पहुंचे
समुंड ठठो ऐं बदीन जूं हज़ारें एकड़ ज़मीनूं गड़काए रहियो आहे। क़ौमी अवामी तहरीक जे मर्कज़ी सॾ ते चौथें ॾींहुं बि पी पी नवाज़ लीग ऐं एम क्यू एम जे सिंध दुश्मन मुआहिदे ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। घड़ी खैरो में गुल मुस्तफ़ा, बासित बिरोही, जावेद जमाली, अशरफ पहवर, नव देरो में ग़ुलाम शबीर जतोई, जमील मेमण, सिकंदर लाशारी, वारह में अली अकबर ख़ासकेली, माशूक मरखंड, अयाज सरताज चांडियू, अमीर बख्श ख़ासकेली ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। अॻवाणनि ख़िताब कंदे चयो त पीपल्स पार्टी हर दौर में कुर्सी ख़ातिर एम क्यू एम सां सिंध दुश्मन मुआहिदा करे सिंध खे दीवार सां लॻाइण जी कोशिशि कई आहे। सिंध जो आवाम अहिड़नि सिंध दुश्मन मुआहिदनि खे रदि करे थो। गोलारची में तालके जे इमामवाह, सुरहदी, शेरवाह, बहादुरवाह, नकरजी समेत साहिली पटी जे शाखनि में चइनि महीननि खां पाणी न अचण ख़िलाफ़ जसकम अॻवाण महफ़ूज़ नोतकाणी, लाल बख्श चांडियो, विकियो मला ऐं ॿिनि जी अॻुवाणी में एहतजाजी मार्च कयो वियो। अॻवाणनि मुतालबो कयो त जल्द खां जल्द असांखे पाणी फराहम करे परेशानियुनि खां बचायो वञे। ज़िंदगी जा 25 साल सहाफ़त खे अर्पींदड़ सीनियर सहाफ़ी ऐं मेहड़ प्रेस क्लब जो सदर नियाज़ अहमद भट्टी बीमारी ऐं बेवसी जे आलम में इस्पताल भेड़ो आहे। गुज़िरियल 1.5 महीने खां बीमारी जे बिस्तरे ते पियल नियाज़ अहमद भट्टी जा तोड़े जो हाण ॿ गुर्दा बि फेल थी चुका आहिनि, पर अञा ताईं संस कंहिं बि वारसीअ नाहे कई। मेहड़ शहर जे कलम धणियनि सिविल सोसाइटी पारां सिंध हुकूमत खां सरकारी ख़र्च ते इलाज कराइण जो मुतालबो कयो वियो आहे ऐं जल्द संस सार लही संस हयाती बचाइण जो मुतालबो बि कयो आहे। जॾहिं त सीनियर सहाफ़ी जे पुटनि मीर मुर्तज़ा ऐं मीर ज़करिया भट्टी जो चवणु आहे त ॿिन्ही गुर्दनि में पथरियूं हुजण सबबि बाबा जा ॿई गुर्दा फेल थी विया आहिनि। SIUT कराची में दाख़िल हो। हिन वक़्तु डॉक्टरनि खेसि डायलिसिस ते रखियो आहे। ॿ दफ़ा हफ़्ते में डायलिसिस थींदी आहे ऐं वधीक इलाज खां जवाबु ॾिनो आहे, पर डाओ इस्पताल कराची जे डॉक्टरनि ट्रांसप्लांट जो चयो आहे। ट्रांसप्लांट ते 30-40 लख रुपया ख़र्च अचे थो। हुननि सिंध हुकूमत खां मुतालबो कयो त असांजे वालिद ऐं मेहड़ शहर जे सीनियर सहाफ़ी नियाज़ अहमद भट्टी जो सरकारी ख़र्च ते इलाज करायो वञे, संस हयाती बचायो वञे ऐं असांजे ख़ानदान खे फाका कशी वारी ज़िंदगी खां बचायो वञे। सिंध हुकूमत ते त इहो फ़र्ज़ु थिए थो उहा ॾात धणियनि ऐं कलम धणियनि जी हयाती बचाइण लाइ क़दम खणे, पर असां ते बि फ़र्ज़ु थिए थो। असीं बि जेकॾहिं बीमारियुनि ऐं बेवसियुनि जे वर चढ़ी वियल कलम धणियनि सहाफ़ियुनि जी मदद करियूं त हू त संदड़ हयातियूं बची पवनि। पीर जो ॻोठ भर सां ॻोठ मघवारी में गुरबत सबबि ईद जा कपिड़ा वठी न ॾियण तां 12 सालनि जी मासूम नियाणी सुहाना जागीराणी ज़हर पी ज़िंदगी जो अंत आणे छॾियो। ॿुधायो पियो वञे त निगरी सुहाना जागीराणी पंहिंजे वालदेन खे ईद लाइ नवां कपिड़ा वठी ॾियण लाइ चयो, पर गुरबत सबबि वालदेन नियाणी सुहाना खे कपिड़ा न वठी ॾिना, जंहिं करे हुन घर में रखियल ज़हरीली दवा पी ज़िंदगी जो अंत आणे छॾियो। चंबड़ में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ अवामी वर्कर्स पार्टी जे सॾ ते आबादगारनि ऐं कारकुननि टंडो अलहियार ताईं प्यादल मार्च करे एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। चंबड़ ऐं चाकर शाख में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाजी मार्च कयो वियो, जंहिंजी अॻुवाणी कामरेड मक़बूल लगारी, मुलाबश लगारी, इरशाद लगारी ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। हुननि मुतालबो कयो त जल्द खां जल्द पुछड़ी जे आबादगारनि खे पाणी ॾिनो वञे। ॿिए सूरत में ईद खां पोइ चंबड़ खां समय आबादगार हैदराबाद ऐं पोइ कराची CM हाउस ताईं प्यादल मार्च कंदा। मोरे भर सां सिंधु जा थाणे जी हद ॻोठ मोहबत लाशारी में जवाबदार ज़फ़र मगसी कार इल्ज़ाम हणी ज़मीरा मगसी ऐं नौजवान सदाम मगसी खे क़त्लु करे छॾियो। जॾहिं त पुलिस वाक़िए जो केस दाख़िल करे ॿिटे क़त्ल जे मुख्य जवाबदार ज़फ़र मगसी खे गिरफ़्तार करे वरितो।
ਹੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖਬਰੂ ਅਵੇਂ ਬੁਧੀ ਰਿਹਾ ਆਇਓ ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਸਿੰਧ ਲੰਡਨ ਆਈਂ ਆਊਂ ਅਵਾਂ ਸਾ ਮੁਖਾਤਬਾਂ ਜੋ ਪੈਂਜੋ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਇਆ ਹਬੀਬ ਲਗਾਰੀ ਅਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ ਪਿਓ ਵਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਸਿੰਧ ਲੰਡਨ ਤਾਂ ਅਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਓ ਥਾ ਸਮਾਜ ਮੈਂ ਵਧੀ ਵੇਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਰੂਮੀ ਵਿਗਾਣਾ ਪਏ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵਾਰਨ ਵਾਕਿਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਲੀਪ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਜ਼ਮੂਨ ਯਾਦ ਨਥੋ ਅਚੇ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਘਾਤ ਫਰਦ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮੇ ਹਲੰਦੜ ਹਿਕ ਡਿਘੀ ਛਿਕਤਾਣ ਜੋ ਨਾਲੋ ਆਹੇ ਜਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੋ ਤੇ ਹਿਕ ਪਲ ਮੇ ਥੀ ਵੀਂਦੋ ਆਹੇ ਪਰ ਉਨ ਮਵਾਦ ਕੇ ਗਰ ਥਿਣ ਮੇ ਡਿਘੋ ਵਕਤ ਲਗੰਦੋ ਆਹੇ ਹਿਨ ਸਮਾਜ ਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਥੀ ਆਪਘਾਤ ਕਰਨ ਲਏ ਤਮਾਮ ਘਣਾ ਜਵਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆਹਿਨ ऐं ख़ुदकशी जे हक़ में समय वज़ाहतूं पिण पेश करे सघजनि थियूं पंहिंजो अंत आण लाइ हर क़दम ते साज़गार माहौल पहिरीं खां ई मौजूदु आहे ख़्वाहिशूं ऐं शौक़ पूरा करणु पसंदि जी पढ़ाई करणु पसंदि जी जिन्स चूंड करणु नौकरी करणु या न करण खां वठी मर्ज़ी जी शादी करणु समेत अहिड़ा अनेक मरहला आहिनि जिते अॼु जो नौजवान नसल मजबूरी में मुझार जो शिकार थी मरण ऐं जीअण जी वसीअ ख़िला में मुसलसल बोलाटियूं खाईंदो रहे थो अहसासे महरूमी अॼु जे नसल खे अॾोही जीअं खाई खोखलो करे रही आहे असीं उहो वॾे वाके चवंदा ज़रूरु आहियूं त जेको बि ज़हनी मुझार में मुबतला आहे या ज़ाती मसलनि जे करे परेशान आहे उहो पंहिंजनि वेझनि दोस्तनि सां ॾुख सुख वंडे पर हक़ीक़त इहा आहे जो असांजे पंहिंजे ज़हननि ते बि अञा ताईं दकियानुसी ख़्यालनि जी दर्ज़ चढ़ियल आहे ऐं असीं मुदे ख़ारिज समाजी क़दरनि मां ॿाहिरि नाहियूं निकिरी सघिया अलाए केतिरा अहिड़ा मौज़ू आहिनि जेके अॼु बि ममनू आहिनि मिसाल तौरु को शख़्स हिन समाज मिड़नी रीतनि रस्मनि रिवाजनि मयारनि ऐं मिज़ाजनि खां बिना मुख़्तलिफ़ सोचे थो ऐं आम रिवाजी अमलनि खां हटी करे कुझु मुनफ़रद ऐं अलॻि करण जी ख़्वाहिश रखे थो त असीं हुनखे हिमथाइण बदिरां खेसि मायूस करे चवंदा आहियूं त उहा सोच छॾे असां जहिड़ो थी वञे न त नुक़सानु भोगणो पवंदो मतिलबु त हुनजी का मदद करण बदिरां खेसि ख़ौफ़ ॾेई हार मञण जी सलाह ॾींदा आहियूं ॿी ॻाल्हि त जेको शख़्स पाण पंहिंजी ज़िंदगी जा आज़ाद मर्ज़ी सां फ़ैसिला न करे सघे उहो कंहिं ॿिए खे आत्महत्या न करण लाइ भला कहिड़ा नुस्ख़ा ॿुधाए सघे थो असां वटि ज़िंदगी सिर्फ़ु पैदा थियणु खाइण पीअण वॾा घर ठाहिण ॿार पैदा करण ऐं मरी वञण जे दायरे खां ॿाहिरि सफ़ा घटि निकिरी सघी आहे ज़रूरी इहो आहे त हयाती जो महर ऐं मर्कज़ घणो रुख ऐं रंगारंग मज़बूत कजे ॿियो रुख इहो आहे जो ज़िंदा दिली सां ज़िंदगी जीअण जे हक़ में हज़ारे सगारा दलील पिणु ॾेई सघजनि था ऐं अहिड़ा केतिरा ई किरदार पिणु असांजे भरपासे में ज़रूरु मौजूदु आहिनि जिन अज़ियतनाक वाकनि ॾुखियनि हालतुनि ऐं हांव डारींदड़ हादसनि खे मात ॾिनी ऐं पाण मरण बदिरां बहादुरी बुर्दबारी ख़ूबसूरती सां ज़िंदा रहण खे तरजीह ॾिनी मायूस थियण का ग़लति ॻाल्हि न आहे उहा पिणु इंसानी फितरत जो हिसो आहे पर मायूसी खां ॿाहिरि निकिरी दुनिया खे मुख़्तलिफ़ नुक़्त ऐं निगाह सां ॾिसणु ऐं पंहिंजे वजूद लाइ माना ऐं मक़सदु ॻोल्हण जी जुस्तजू बि कबी त ज़िंदा रहण लाइ अनेक सबबु मिली सघनि था ख़ुदकशी महज़ इनफ़रादी अमल न आहे मजमूई तौरु हिन समाज जा क़दुरु मुआशी अणबराबरी ऐं हीउ निज़ाम पिणु बराबर जो भाङे भाईवार आहे आपघात खे निजात छुटकारे ऐं फ़रार जो रस्तो सम्झणु सरासर ग़लति आहे कंहिंखे परेशानी मां ॿाहिरि कढण लाइ असां वटि सलाहनि ऐं तजवीज़नि समेत तजुर्बे इल्म ऐं अक़ल जे आधार ते को अमली हल ज़रूरु हुजणु घुरिजे अॼोके सरमाएदार कारपोरेट ऐं कमर्शियल निज़ाम फ़र्द खे चटाभेटी जे चकर में हणी पंहिंजो मनपसंदि मुनाफ़ो कमाइण जी लालच में माण्हू खे अहसासनि ऐं जज़्बनि खां महरूम करे संस वजूदी तव्हांजी पेटी जा बख्या उढेड़े छॾिया आहिनि हीअ समाज इंसान खे मुख़्तलिफ़ सांचनि में फिट करण जी कोशिशि करे थो जेको शख़्स उन्हनि मरव जे सांचनि खां बाग़ी थी इनकार करे थो उनखे नॉर्मल एब नॉर्मल जे खाननि में विरिहायो वञे थो कंहिंखे बि ख़ुदकशी जहिड़ो तमामु वॾो ख़फ़ो खणण खां पहिरीं हज़ार भेरा सोचणु घुरिजे त जेके मसला ऐं मुझारा खेनि इहो क़दम खणण ते मजबूर करे रहिया आहिनि उन जा हल बि त ॻोल्हे सघजनि था कॾहिं कॾहिं ज़हनी ख़लल ऐं दिमाग़ी घुट बुसट जो को ख़ासि सबबु सम्झ में न आहे ईंदो
बस लगंदो आहे त हयाती फजूल बेमाना छसी ऐं बेरोनक आहे। उन सूरत में भी बेहद ज़रूरी आहे त पंहिंजो पाण सां हमकलाम थीजे ऐं साह जो क़ीमती सॻो टोड़ण जे बदिरां पंहिंजे पाण खे परखण जो हिकु वधीक मौक़ो मुहैया कजे। वजूदी बुहरान, अकेलाई, शदीद मायूसीअ, विगाणप, ख़ालीपणो, दाख़िली ख़ारिजी पीड़ाव, पैसे जी अणाठ, वसीलनि जे ॾुकार ऐं मुआशी इस्तेसाल जहिड़नि तलख़ हक़ीक़तनि हूंदे बि पंहिंजो पाण खे आत्महत्या करण जहिड़ो हाञो न रसाइजे ऐं उन्हनि हालतुनि सां मुंहुं मुक़ाबिल थी वेढ़ कजे, छो त मज़ाहिमत, जुस्तजू ऐं अणथक जाखोड़ पिणु इंसानी ख़मीर जो हिसो आहे। ज़िंदगी जे हक़ीक़ी जौहर खे समुझण लाइ ज़रूरी आहे त असांजी ज़ाती मिज़ाज, पसंदि ऐं शौक़ जो दायरो वसी हुजण सां घण पासाओ बि हुजे, महदूद रहण बदिरां ला महदूदियत जी राह ते सफ़र कजे। महरूम रहण जे बजाए माहिर थियण खे तरजीह ॾिजे ऐं दिलि अंदर जी दुनिया खे फ़लसफ़े, नफ़्सियात, फ़लकियात, तारीख़ी तोड़े साइंस जे इल्म, अदब, आर्ट, मौसीक़ी, फ़िल्मनि, डिघनि मुसाफ़िरनि रुलाकियनि, फितरत सां वेझड़ाइप समेत इश्क मुहबत ऐं सचीअ दोस्ती जहिड़े क़ीमती ख़ज़ाननि सां मालामाल कजे ऐं पाण मल्हाइजे। महरूम थिए मरी विया, माहिर थी न मुआ, चिड़ीअ जीअं चूंज हणी लॾियाऊं लिया, हबाबी हुआ उन वादीअ विच में। असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं अहसासु महरूमी, विगाणप ऐं आतम हत्या वारे मामले ते लिखियल ख़ूबसूरत लेखक दिलीप दोषी जी ख़ूबसूरत लिखणी। अवीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं आउं अव्हां सां मुख़ातिबु अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। जीअं त अव्हीं भली भीत ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अव्हां जी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾु हूंदा आहिनि, जिन में तारीख़ जा अमल वर्क हूंदा आहिनि। असीं चाहियूं था त जग जहान ताईं सिंध जो आवाज़, सिंध जे मज़लूम माण्हू जो आवाज़ पहुचे ऐं उहो आवाज़ु एॾो त सघारो थिए पहुचे जो दर्दनि हाणे देस तां हीअ ॾुखनि जा ॾींहं हमेशह लाइ हलिया वञनि। असांखे सुजाॻी जे हिन सफ़र में अव्हांजे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो असां सां हमकदम बणिजो त जीअं असांजो सफ़र सफलता माणे सघे। असीं पंहिंजा प्रोग्राम यूट्यूब ऐं फेसबुक पेज वसीले बि अव्हां ताईं पहुचाईंदा आहियूं। फेसबुक या यूट्यूब ते वञी सर्च करियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। प्रोग्राम सोच वीचार में हाण वर्क वरायूं था नामियारे ॾाहे लेखक ऐं कुंभरस अॻवाण अब्दुल वाहिद आरिसर जे किताब तकरीरूं जा ऐं अव्हां जी ख़िदमत में उहा तकरीर पेश करियूं था जेका हुन शहदादपुर जे सेकेंडरी उस्तादनि जी यूनियन जे नुमाइंदनि जे मान में सिंधी अदबी संगत शहदादपुर तरफ़ां ॾिनल दावत में सदारती तकरीर कंदे कई हुई। इज़त लाइक़ उस्ताद ऐं साथियो, ऐं सिंधी अदबी संगत शहदादपुर जो निहायत थुराइतो आहियां जो हुन जे नौजवान ऐं पुरजोश अदीबनि उस्तादनि जे मान में ॾिनल दावत में मूंखे शरीक थियण जो मौक़ो इनायत कयो, जो आऊं उस्तादनि जे साम्हूं संदनि ॿुधायल, सेखारियल ऐं पढ़ायल सबक दोहिरायां, जीअं मूंखे बि ख़बर पवे त आया मूं मिलियल सबक पको कयो आहे या न। हक़ीक़त हीअ आहे त दुनिया जे मुल्कनि में जेकॾहिं को बि फ़र्द पूरी सोसाइटी, मुआशिरे ऐं माहौल में इज़त ऐं एतिराम, मान ऐं शान, वक़ार ऐं अज़मत सां ॾिठो वञे थो ऐं जंहिंखे ॾिसणु शर्त उन क़ौम जे इंसाननि जूं पेशानियूं उन माण्हू जी अज़मत जे मेहराबनि में सजदा करण लाइ बेक़रार हूंदियूं आहिनि, सो सिर्फ़ु उस्ताद आहे ऐं बस। बरे सगीर जे सभ खां वॾे ऐं तहज़ीबी अहमियत रखंदड़ मुल्क भारत जो पहिरियों सदर बाबू राजेंद्र प्रसाद तालीमी माहिर हो ऐं ॿियो सदर वाधा कृष्ण उस्ताद हो। टियों सदर इज़त माब ज़ाकिर हुसैन पिणु उस्ताद हो। अमरीका जो को बि सदर जेकॾहिं सदारत तां लथो आहे त उन कंहिं कॉलेज ऐं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थियणु पंहिंजे लाइ सदारत खां बि वधीक मान ऐं मर्तबे वारो सम्झो आहे, छो त उते जे माण्हुनि खे उस्ताद जी अहमियत ऐं हैसियत जी परोड़ ऐं परख आहे ऐं हुननि खे ख़बर आहे त सुभाणे जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, फ़लासाफ़िर, सियासतदान, नफ़्सियाती माहिर, कामयाबु वापारी ऐं इक़्तिसादिया जो माहिर हिकु अज़ीम उस्तादु
जी तालीम तरबियत वसीले पैदा थी सके तो वही सबब है तो आवाम दोस्त अवामी भलाई चाहिंदड़ मुल्क में कौमी बजट जो वडे में वो हिस्सों तालीम ते खर्च कयो वेंदो आहे ऐं उस्ताद माली तरह शानदार तरीके से जिंदगी गुजारींदो आहे। पर उहे मुल्क जिते जे हुक्मरान टोलन फोरो तबकन गासिब जथन जो मकसद सिर्फ हुकूमत करण अवाम के बुख्यो डुख्यो जाहिल ऐं बदहाल रखण खेन हमेशा लाइ महकूम में मजबूर करण हूंदो आहे। अड़े मुल्क में बजट जो वो हिस्सों फौज ए पुलिस से खर्च किया वेंदो आहे। उते इज्जत फौजी या सोल्जर ए पुलिस के सिपाही की होंदी है। उते मानवारो उहो हुंदो आहे जंहिंजे हथ में डंडो ए कुल्हे ते बंदूक रखियल हुंदी आहे। अड़े मुल्क में पढ़ियल माण्हू उस्ताद थियण बजाय पुलिस वारो थियण पसंद कंदो आहे। ग्रेजुएट नौजवान प्रोफेसर थियण खां फौजी कैप्टन बणजण पंहिंजे लाइ मुफीद समझंदो आहे। अड़े मुल्क में उस्ताद रिटायर थियण खां पोइ मुख्तियारकार जी ऑफिस बाहिरां जनाह केप पाए भगल चश्मो चाढ़े अरीजी लिखंदो आहे। उहो सभु उन्हीं करे आहे जो उते जा हाकिम तबका न चाहींदा आहिनि त आवाम में सही तालीम पखिड़े ऐं माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी जो शानाइतो रुख ॾिसनि। हुननि खे पंहिंजी हैसियत जो अहसासु पैदा थिए। हूअ फुरलुट ज़ुल्म ॾाढे ॾहिकाउ जो असल सबब मालूम करे पंहिंजी खुशहाल ज़िंदगी लाइ मुड़ुसु थी मैदान में मुक़ाबले निकिरी निर्वार थियनि। हाकिम चाहींदा आहिनि त माण्हू अणपढ़ियल रहनि, बेरोज़गार थी चोर ऐं धाड़ियल थियनि, जीअं उन्हीअ नए खून ऐं नसल खे गोली जे ज़रिए ख़तमु कनि। या त हूअ इस्कूल जी अधूरी वायात ऐं दकियानुसी तालीम मां वहशी बेगैरत बदमाश ऐं बेरहम थी निकिरनि, जीअं खेनि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स फ़ौज पुलिस में भर्ती करे संदन जिस्मानी ज़हनी सलाहियतनि जा गोॾा मम वांगुरु चटे मफ़लूज बणाए छॾनि था। त हूअ कंहिं ज़हनी ऐं इख़लाक़ी हरकत चुरपुरे हलचल बजाए अहली न रहनि। हूअ जेकॾहिं ॾिसनि त सिर्फ़ु इशारे सां ॿुधनि त वायरस जो आवाज़ु हलणु चाहिनि त हुकम वसीले गुफ़्तगू कनि त गोली जी ज़ुबान में बस न हू नाग बणजनि, विछूं बणजनि, बघड़े कुता त बणजनि, पर इंसान न बणजनि। इहो सबबु आहे जो हिते उस्तादनि खे पंहिंजे गुज़र सफ़र लाइ पंहिंजे महिनत जे मुआवज़े लाइ पंहिंजा ॾुखिया सुखिया ॾींहं काटण लाइ रस्तनि ते मुज़ाहिरा करणा था पवनि। पर नतीजे में हुकूमत खेनि छा थी ॾिए? पुलिस जा ॾंडा, गोढ़ा आणींदड़ गैस, जेल नौकरियुनि तां बरतरफ़ियूं ऐं ग़लति इल्ज़ाम ऐं गारियूं। उस्ताद वीचारो सभिनी ॻाल्हियुनि जे बावजूदु पंहिंजो फ़र्ज़ पूरो करे रहियो आहे। हूअ ॾिसे थो त पैसे न हुअण सबबु संस ॿारड़ा त तालीम खां महरूम आहिनि, पर हू पोइ बि क़ौम जे बचनि खे तालीम जे ज़ेवर सां सिंगारे रहियो आहे। अंधेर इहो आहे जो उस्तादनि लाइ जेको लफ़्ज़ हिते इस्तेमालु कयो वञे थो सो इंतिहाई हकारत आमीज़ ऐं ख़सीस हैसियत रखंदड़ आहे। अंग्रेज़ी जो लफ़्ज़ मास्तर, जंहिंजी माना आहे पंहिंजे फ़न पेशे सब्जेक्ट में माहिर, अंग्रेज़ी में सुठे अदब, बहितरीन शेर ऐं लाजवाब अफ़साने खे मास्टरेस करे ॻणियो वेंदो आहे। उहो मास्टर असां वटि फिरी थियो मास्तर ऐं वॾनि हाकमनि जे मुहावरे में उस्ताद यानी टके जो मास्तर या मास्तरड़ो या थरीअ ॿोली में मास्तरियो। सो साईं मुंहिंजा जेका हस्तीअ क़ौमनि वटि अज़म जो मीनार आहे, रोशनी जो ज़रियो आहे, क़ौमनि जे इख़लाक़ी इल्मी ऐं ज़हनी लियाकतनि अहलियतनि ऐं सलाहियतनि जी अलामत आहे ऐं क़ौमी नफ़्सियात जो उञाण आहे, त इज़त असां वटि उहा वञी बीठी आहे। अहिड़ियुनि हालतुनि में असां सुधरूं त कीअं? असां तरक़ी करियूं त कहिड़े नमूने? तालीम आम थिए त कहिड़े तरीक़े सां? सिकंदर यूनानी जो कोल आहे, माउ पीउ ॿार खे आसमान तां लाहे हेठि आणींदा आहिनि ऐं उहो सिर्फ़ु उस्तादु ई आहे जेको खेसि फ़र्श तां खणी अर्श ते पहुचाईंदो आहे। ज़हनी इल्मी ऐं फ़िक्री तरह, पर असां त ख़ुदि उस्ताद खे आसमान खां लाहे ज़मीन जे कंहिं गंदे टुकड़े ते उछलाए छॾियो आहे। असां उस्ताद जूं नज़रूं किताब मां हटाए पुलिस जे ॾंडे ते खुपाए छॾियूं आहिनि। उन सूरत में ॿार आसमान ते पहुचण बजाए तहतुल सुर्या में किरंदो। पाड़ जी हिफ़ाज़त बदिरां लजन जो लुटेरो बणिबो, इल्म जो अमृत पीअण बदिरां चरस जा सूटा हणंदो, ज़िंदगी लाइ जदोजहद करण बजाए वॾेरे जा बूट पॉलिश कंदो।
स्कूल वञण बदिरां सिनेमा जो गेट कीपर थींदो, लाइब्रेरी में वञण बदिरां गुतन चकलनि में वेंदो ऐं फेडरल सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती थींदो। ॻाल्हि मिड़े हिकिड़ी आहे। मौजूदु उस्तादो, कंहिं किताब में पढ़ियो हुउमि त फ़लसफ़े जो तालुक़ु दिमाग़ सां, साइंस जो जिस्म सां ऐं अदब जो वास्तो दिलि सां आहे। दिलि जॾहिं उदास थींदी आहे त मीराबाई जे तंबूरे जो तारूं टुटी पवंदियूं आहिनि ऐं काइनात मातमी बणिजी वेंदी आहे। दिलि जॾहिं मस्ती में ईंदी आहे त पहाड़ी झरणनि मां सुहाग जा गीत फुटंदा आहिनि। दिलि जॾहिं ॻाईंदी त आसमान में इंडलर जा रंग उभरंदा आहिनि। दिलि जॾहिं मूड में भरिजी ईंदी आहे त शाह जो सुर सारंग जनम वठंदो आहे ऐं दिलि जॾहिं बग़ावत कंदी आहे त हेमू कालाणी पैदा थींदो आहे। उहा साॻी दिलि उस्ताद वटि सादे सुफ़ेद काग़ज़ वांगुरु ईंदी आहे। उहो पोइ उस्ताद ते छॾी लाहे त उन ॿार जी सादे काग़ज़ वांगुरु बेदाग दिलि ते छा थो लिखे। उन काग़ज़ ते हू अंजील, गीता ऐं क़ुरान बि लिखी सघे थो, मैन कैफ बि लिखी सघे थो, प्रिंस बि लिखी सघे थो, दास कैपिटल बि लिखी सघे थो, गीतांजलि बि लिखी सघे थो, शाह जो रिसालो बि लिखी सघे थो, मौजूदा सियासी मसला बि लिखी सघे थो, त अज़ीम अलमियो पिण। ॿियनि लफ़्ज़नि में आउं चवणु चाहियां थो उहो तालीमी उस्ताद ते मिदार रखे थो त मुस्तक़बिल जो इंसान कहिड़े नमूने जो हुअणु घुरिजे। स्कूल माहौल मेकावली, हिटलर, मेसोलिनी, फिरांको, काशिक, ज़ार, सालाज़ार ऐं भुट्टे खे जनम ॾिए थो ऐं उहो पिणु उस्ताद ई आहे जितां मार्क्स, लेनिन, गांधी, टेगोर ऐं जी एम सैद ज़िंदगी जो फ़लसफ़ो खणी अचनि था। दोस्तो, 21वीं सदीअ यूरप में जदीद दौर जे आगाज़ जी सदी आहे। हिन सदी खां यूरोपी क़ौमनि न सिर्फ़ु पंहिंजे अंदरूनी मुआशरती ऐं मुआशी ज़िंदगी जे पुराणनि क़दरनि ऐं रिवायतुनि खे आहिस्ते आहिस्ते उछलाइणु शुरू कयो, न सिर्फ़ु पराए जागीरदारी निज़ाम ऐं शहनशाह जे वंगनि ढंगनि में तब्दीली आंदी, पर पंहिंजे सनती निज़ाम खे मज़बूत बुनियादनि ते बीहारण लाइ एशिया ऐं अफ्रीका जे मुल्कनि, क़ौमनि ऐं हुकूमतनि खे मकर, फरेब ऐं ताक़त जे ज़रिए ग़ुलाम बणाइणु, पंहिंजे सनत लाइ कचो माल हथ करणु ऐं पंहिंजे मुल्कनि ऐं तयारु थियल शयुनि खे पंहिंजे ग़ुलाम बणायल मुल्कनि में विकिणणु शुरू कयो। उहो दौर यूरोप जे अॻिते वधण जो सबबु बणियो त एशिया ऐं अफ्रीका जे मुल्कनि लाइ ज़िलत, ग़ुलामी, महकूमी, ख़ुआरी ऐं पसमांदगी जो सबबु बणियो। उन दौर हलंदे साॻियनि मक़सदनि खे मदेनज़र रखी अंग्रेज़नि हिन बरे सगीर ते कब्ज़ो कयो। सिंध ते अंग्रेज़नि जी हुकूमत जेतोणीकि 19वीं सदी जे विच धारे बाक़ाइदे तौरु चालू थी, पर साम्राज्यनि जा असर हिते तमामु आगाटो पवणु शुरू थी चुका हुआ। ॿाहिरियुनि ताक़त अचणु शर्त पुराणे निज़ाम तइलीम खे दरहम बरहम करे छॾियो ऐं उन जी जाइ ते हिकु अहिड़े क़िस्म जो निज़ाम तालीम जारी कयो जेको साम्राज्य जे मक़सदनि खे हथी ॾींदड़ हो। उन तालीमी सिरिश्ते राज करण मां अंग्रेज़नि जा ॿ मक़सद हुआ। पढ़ण जो मक़सदु सिर्फ़ु नौकरी। अंग्रेज़नि खे ख़बर हुई त ग़ुलाम मुल्कनि में धारियुनि हाकमनि ख़िलाफ़ु जदोजहद जी शुरूआति जेकॾहिं थी सघे थी त उहा सिर्फ़ु पढ़ियल ॻुड़ियल ऐं बाशहूर तबिके मां थी सघे थी। उन करे हुननि तालीम जो मक़सदु महदूदु रखियो। उहो हो सिर्फ़ु नौकरी, ऐं नौकरी जीअं त हाकमनि जे हथ में हुई, तंहिं करे हुननि तालीम खे एतिरो महदूदु रखियो जो एतिरा माण्हू पढ़ी सघनि जिन खे सरकारी नौकरियूं ॾेई सघे। जीअं अहिड़ा माण्हू बेरोज़गारी जे डप खां हुकूमत वटि हमेशह मजबूर रहनि ऐं को बि बाग़ियाना ख़्यालु दिलि में न आणिनि जो सरकार जे ख़िलाफ़ु का जदोजहद जनम वठी सघे। बदक़िस्मती सां अंग्रेज़नि जे वञण खां पोइ देसी साम्राज्य बि तालीम सिरिश्ते खे जीअं जो पोइ तीअं बाक़ी रखियो आहे। उन जो नतीजो इहो निकितो आहे जो पढ़ियल तबिको, भाड़े ऐं दनीर अवाम जी अक्सरियत अणपढ़ियल ऐं जाहिल रहिजी वई आहे। उन ॿिन्हिनि में समाजी मुआशरती सतह ते हिकु ख़्याल पैदा थी वियो आहे। उन ख़्याल केतिरनि ई बुराइनि ऐं ख़राबियुनि खे जनम ॾिनो आहे। नंबर ॿ, उन तालीमी सिरिश्ते मां अंग्रेज़नि जो ॿियो मक़सदु हो पढ़ियल माण्हुनि खे सुस्त ऐं काहिल बणाइणु। कॉलेजनि ऐं यूनिवर्सिटियुनि जे पुरासाइश ज़िंदगी ऐं आराम तलबी शागिर्दनि खे एतिरे क़दुरु त सुस्त बणाए छॾियो जो हू पढ़ण खां पोइ उन ज़िंदगी में मोटी वञण लाइ तयारु कोन हुआ जंहिं ज़िंदगी में संदन माइट रहिया पिया हुआ। पढ़ियल जेकॾहिं हारी जो पुटु बि हो
त उन्हीं हर के वेझो वञण नथे चाहियो। मजदूर जो पुट हो तो वह मेहनत मजदूरी करे मानी खाण लाइ तैयार कोन हो। उनके नौकरी खपंदी हुई या को अड़ो जरियो जैसा बिना मेहनत या आसाइश मिली सके। वो साग्यो तरीको अज भी जारी है। शागिर्द वक्त की हुकूमत की दलाली करे परमिटू वी ऐश कन था पर मेहनत लाइ तैयार कोन आहिन। कहीं हुकूमत खिलाफ जदोजहद करण में जिन तकलीफन जो तस्वर आए उन्हीं के बर्दाश्त करण लाइ कत आमादा ना। नतीजे में साम्राज्य दलाली करे भी पैसों हासिल कन था। अवा उस्ताद के शागिर्द में उन्होंने बिन्हीं बीमारियों को खात्मो आणो है। बी गाल सिंध में कें भी तनजीम या तहरीक के आम मानन ताई पहुँचाने जो सब का मौसर ए कारायतो जरियो सिर्फ उस्ताद ही आहिन। ही मुल्क जंजो टिन धुरिन तरफा एक सोचल समझल साजिश ए मनसूबे तहत मुसलसल इस्तेहसाल कयो पियो वञे। हिते जे आम गोठाणे माण्हू खे इन वीह सदी जे सैंसी समाजी ए सियासी फ़ायदन खां महरूम रखियो पियो वञे। हिते जे इंसान खे ज़रूरियात ज़िंदगी खां वांझल रखण लाइ हिन दौर में थोरो फोरू टोलन गासिब तबकनि बदमाश हरफ़ती माण्हुनि मुनज़म नमूने पंहिंजो प्रोग्राम ठाहियो ऐं उन ते अमल कयो आहे। हिन अज़ीमुल शान तहज़ीबी विरसो रखंदड़ क़ौम ऐं मुल्क जो सियासी तरह पंजाबी इस्तेहसाल करे आबादी जे बुनियाद फ़ौज जी ताक़त ऐं सिविल सर्विस जी क़ाबिलियत जे आधार ते पंहिंजो साम्राज्य क़ाइमु करियो वेठो आहे। हिते जे शानदार ज़ुबान ऐं क़ाबिल फ़ख्र तहज़ीब जो इस्तेहसाल पनाहगीरनि जे हक़ीर उर्दू ज़ुबान ऐं इस्लामी तहज़ीब जे पुरफ़रेब नारनि ऐं नज़रनि ज़रिए करे रही आहे। मुआशी नाहमवारी जे हाथी खे सिंध जो वॾेरो पाले वेठो आहे। उन्हनि हालतनि सिंधी अदब तहज़ीब ऐं माज़ी जे रिवायतनि खे कापारी धक हयो आहे। अवाम ताईं पहुचण जा सभु ज़रिया जहिड़ो का अख़बारूं रिसाला रेडियो ऐं टेलीविज़न सिनेमा हाउस ऐं थिएटर तहरीर ऐं तकरीर सभिनी ते मथे टिन्ही गासिब धुरियुनि जो कब्ज़ो आहे। जंहिं करे सही सोच आज़ादी जो पैगाम क़ौमी अहसास ऐं वतन जी खुशहाली हुरियत जो सबक अवाम ताईं पहुचाइणु सियासी कारकुन ऐं क़ौमी वर्कर लाइ इंतिहाई दुशवार बणिजी वियो आहे। सियासी वर्करनि जी चुरपुर ऐं गुफ़्तगू ते हाकिम तबिको अहिड़े तरह चौकसी सां नज़रूं खुपायो वेठो आहे जीअं बाज़ार हुसन जो भड़वो नए फासायल तवाफ़ जी चुरपुर ते नज़र रखंदो आहे। अहिड़ी हालत में उस्ताद ई हिन जेके खोखरा पार खां कराची ताईं ऐं कारूंझर खां कदकोट ताईं हर ॻोठ पंहिंजे अवाम हारियुनि पोहरितनि कुड़मियुनि कासिबियुनि ओठियुनि रेडारनि सां राति ॾींहुं लह विचण में ईंदा रहंदा आहिनि। उहो कुदरत हिकु शानदार मौक़ो सिंध लाइ मुयसरु करे ॾिनो आहे। अवां उस्ताद हिन वक़्तु सिंध जी तारीख़ी फ़रियाद खे जेकॾहिं ॿुधो था ऐं उहो फ़रियाद अवाम ई पंहिंजे शागिर्दनि ताईं पहुचायो था त हू तारीख़ जो हिकु शानदार बाब थींदो ऐं वतन अज़ीज़ जो मोरख अवां जे उन बहितरीन कारनामे लाजवाब किरदारु लिखण खां सवाइ अॻिते वधी न सघंदो। अवां जाग्राफ़ी जे सबक़ में इहो कुझु चई सघो था जेके चवण लाइ असांखे प्रेसनि ताईं पहुचणु ॾुखियो थी पियो आहे। अवां तारीख़ में एतिरो कुझु पढ़ाए सघो था जंहिंजे हिन वक़्तु वीहीं सदी जे मज़लूम सिंध खे ज़रूरत आहे ऐं जेकॾहिं अवां पंहिंजे बहितरीन ज़हनी सलाहियतुनि खे ॾाहप सां इस्तेमालु कयो त यकीननि ग़ुलाम सिंध आज़ादी लाइ उथी तयारु थींदी। अगोर निंड में सुतल सिंध करमोड़े उथंदी ऐं उहो फ़ासिलो जेको दुनिया जे क़ौमनि सदियुनि में तय कयो आहे सो सिंध सालनि में तय करे वठंदी। छो तव्हांजी तरबियत ऐं तालीम ज़रिए सिंध खे बि को लेनन, को माउ, को होची मन, को डॉक्टर ची गवेरिया, को नेहरू, को गांधी, को नासिर, को कास्त्रू ऐं को मुजीबुर रहमान मिली वेंदो। ऐं जॾहिं बि कंहिं क़ौम या मुल्क खे मार्क्स, गांधी ऐं जी एम सेठ जे फ़लसफ़े ऐं फ़िक्र ते अमल करण लाइ अहिड़ा माण्हू मिली वञनि त पोइ उहो मुल्क ग़ुलाम, बेवस, मजबूर ऐं ॾुटड़ियल रही नथो सघे। हूअ शानदार ऐं मज़बूत क़यादत जी रहनुमाई में सदियुनि जा फ़ासिला सालनि जा फ़ासिला महीननि जा हफ़्तनि जा ॾींहनि में तय करे वठंदो आहे। उहो तारीख़ जो फ़ैसिलो आहे। उहा इन सदी जी सभ खां वॾी सचाई ऐं हक़ीक़त आहे। टी ॻाल्हि जीअं तव्हीं उस्ताद आहियो तंहिं करे अवां मां के तारीख़ जा उस्ताद हूंदा, के जाग्राफ़ी जा, के हिसाबनि जा, के जामेट्री जा,
के इल्म में बदन जा के अदब जा के समाजी ब्यास शोहरत जा मुख्य यकीन है तो अवं सा हर एक इज्जत लायक उस्ताद पंजे फन जो मुजाहरो मुकमल जानू हों जैतोणिक मौजूदा दौर में अहलियत लियाकत हक के बुनियाद नौकरियों नथियों डिनी वजन नौकरियों सिर्फ वडेरन के पुटन वडेरन के माइटन चमचन हुक्मरान के खुशामद कदड़न के पुटन पोटन के मिलन थियों पर आऊं समझा तो अड़ा नालायक नायल सिफारशी इब्न वक्त कम चोर उस्ताद जड़े मुकदस पेशे में कोनी दा छो तो उन्हीं पेशे में हुनन के का भी जगह का भी कमाई नथी मिले अड़ा मानू अड़े जायन ते वींदा जिते खेन हाजामिन फजल रबी बालाई कमाई मिले जी हु शाम जे वक्त ते पंजन बेगमन सरीतन महबूबान के सिंगारे सर्कस जे घोड़न वागुर रस्तन मार्केटन में मोकिलन उन्हीं बुनियादी कारण के मद्देनजर रखने घट में घट उस्तादन में उहा उम्मीद करे सकजे थी त हुनन में पंजे फन सा शौक मोहब्बत होंदी अड़ी उमें के आसरे से आऊँ एक गुजारिश कंदुस उहा है सिंध की तारीख की छंडछाण करे उनके सही सूरत में पेश करण बाबत अस जडे भी सिंध की आज़ादी खुद मुख्तियारी की गाल करूँ था पनाहगीर कम्युनिस्ट उन्हें जा नकली शागिर्द असा के चवन था भाई सिंध जडे आज़ाद हुई उन वक्त भी सिंध हाकमन कौमी बादशाह के जुल्म हेठ पीड़जंदी रही लुट भी रही लताड़ भी रही सिंध ते सदियन का सुख जो सूरज तलो थी न सको है उन्हीं मानू के जहन में बादशाह जो नमूनो जै तो उ है जो रूस जार शाही हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य हो हिन्न सिंधी बादशाह जो नमूनो खुराक बोधबाश रिहाइश मानस बर्ताव न पढ़ो है नई समझण की कोशिश कई है आऊँ इतने सिर्फ एतरी वजाहत करण घुरा तो तुम जडे अब्बासी बादशाह जो जिक्र तारीख में पढ़ो था तो उन्होंने दस्तरखानी से हजार हाँ किस्म के खादन शराबन जो मौजूद होण भी मिले तो उनके महला की शान शौकत बानन के झरमट अलिफ लैला दास्तान के जन्म दिनों अवा मुगल बादशाह के वजीर बाबत लखें किस्म के तामन की मौजूदगी सोन चांदी के अंबार बेहतरीन इमारत बेशुमार ताज महल लाल किलन शाला मार की मौजूदगी दिसो था अवा मोहम्मद गौरी के मरण का पोए उनकी जाती खर्च ले गड कल खजाने में 500 मण रुगो हीरा दिसो था पर मुख्य बुधायो सिंध कें भी हाकिम के दस्तरखानी जो जिक्र तुम पढ़ो सिंध बादशाह की रिहाइश ले अवा का शानदार रिहाइशगाह डिठी जका करोड़न के खर्च से तैयार थी हुए मुख्य अफसोस है जो जहांगीर जो जायू तो सलामत आन पर जाम निज़ामुद्दीन जो जायू सलामत ना रेगिस्तानी रियासत जोधपुर के राजा के बंगलन में सोन जा पींघा त मिली सगन था सलामत रही सगन था पर जाम बंबे जा न उम्र सुमरे जो कोट त है पर महलात त कान्हे गुलाम शाह जो किलो मसीह त आहिन पर रिहाइशगाह जो कोट त आहे महलात त कान्हे सबब सिर्फ ही आहे त सिंध हाकिमी इंतहाई सादा अवामी हुआ उनकी रिहाइश खुराक सिंध मयारी मानू जड़ी हुई हुनन न अड़ा अयाशी जा सामान गड कया नई अवाम के लुटियाऊँ फुरियाऊँ हुआ अवाम मा हुआ उन जा खाद में हर डोखी हुआ हुनन पंजो मयार जिंदगी अड़ो रिखो ही कोन जैसे लाइ मुगलन वांगुर रैयत जो रत चूसणो पवे सिंध ते कबीलन जी पूरी बिरादरी जी हुकूमत थींदी हुई बादशाह जी मुकरी माजूली पूरे कबीले जी मर्जी सा थींदी हुई हुनन जो रस्तो नातो हेठें तबके सा हमेशा गंढिल रहो जाम निज़ामुद्दीन पंजी भेण एक गरीब फकीर सा परणाई हुई जाम तमाची मुहाणन में शादी उन्हीं के पंजी बिरादरी माइटी में दाखिल करण लाइ कई हुई सिंध जे मानू जो मयार जिंदगी उन्हीं दौर में एतरो कदें भी न किरियो हो जेतरो हाण नजर अचे तो उन्हीं वक्त सिंध में ज़राए जो निज़ाम इंतहा सादो हो जिते वडेरे जो वजूद भी कोन हो हर मानू पोखींदो खाईंदो हो साल ही उन मां मामूली हिस्सो बादशाह इंतजाम ले सरकार के हवाले कंदो हो अनाज एतरी त जजे अंदाज में पैदा थींदो हो जो बादशाह मुलाजमन के पगार भी रोकड़ के बजाय अनाज जिन्स में डींदो हो ज़राए जी मौजूदा सिस्टम अंग्रेज़न के अचण का पोई शुरू थियो आए उन्हीं मां जेके खराबियूं पैदा थियूं आहिनि उन्हनि ते हिन महिल वक़्तु ख़त्म थियण करे
आऊं गालहाए नथो सका, सिर्फ एतरो अर्ज कंदुस, सिंध आवाम लाइ जाम निज़ामुद्दीन जो दौर वधीक चङो हो, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जे दौर खां चङो। जीए सिंध। हीअ असीं वञी ख़िदमत में पेश करे रहियासीं अब्दुल वाहिद आरिसर जी तकरीर, जेका असां चूंड कई हुई संस किताब तकरीरूं मां। अवीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन, ऐं अवां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार। सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अवां सां मुखातिबु आहियां, पंहिंजो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। जीअं त अवीं चङी रीति ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अवां जी ख़िदमत में अहिड़ा प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सुजाॻी जा सॾु हूंदा आहिनि, जिन में सिंध ऐं सिंधवासियुनि जी ॻाल्हि हूंदी आहे। असीं चाहियूं था त सुजाॻी जो हीउ सफ़र पाण भरो थी सघे, इन लाइ असांखे अवां जे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। सुजाॻी जे हिन सफ़र में अवीं असां सां हम क़दम बणिजी असांजो साथ ॾियो, त जीअं हीअ सफ़र सफलता माणे सघे। असीं पंहिंजा प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे यूट्यूब चैनल ते बि रखंदा आहियूं, उन सां गॾोगॾु फेसबुक पेज ते बि प्रोग्राम अव्हां जे ॿुधण लाइ रखिया वेंदा आहिनि। फेसबुक पेज या वरी यूट्यूब ते वञी हींअर सर्च करियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। सांगड़ सां वास्तो रखंदड़ सिंध जे नामियारे लेखक नवाज़ कुंभर जे किताब भिटाए जा गायल पालतू पखी ऐं जानवर जा वर्क वरायूं था, अव्हां जी ख़िदमत में पेश करियूं था उहो मज़मून, जंहिंजो उनवान आहे भिटाई पारां तवकल जे हवाले सां गायल जानवर ॾांद। कुदरत मौसमनि जे मटिजण जे हवाले सां केतिरियूं ई निशानियूं ई उञाण रखी इंसान जी विख विख ते रहनुमाई कई आहे। अहिड़ियूं केतिरियूं ई निशानियूं जिन में आसमान, ज़मीन, चंड, तार, पखी ऐं पखण खां वेंदे जानवर ताईं मौजूदु आहिनि। रुगो ॾिसण वारी अखि हुजे, अहिड़े निशानियुनि वारनि जानवरनि में ॾांद या ढगो बि हिकु आहे। अफ़सोस जो ॾांद ते इन हवाले सां नज़र मिड़ई घटि थी पवे। ढगो या ॾांद जंहिं लाइ चयो वेंदो हो त दुनिया ॾांहुं जे सिंह ते बीठल आहे, उहो जॾहिं सिंह लोॾे थो त ज़िलज़िला अचनि था। अॼोके दौर में ख़ुदि उन ॾांद जो वजूद ख़तरे में आहे, उन जी अॻूणे कम न हुजण सबबि हुन जी उहा अहमियत बि न रही आहे, जंहिं करे हुन जी नसल कशीअ थी रही आहे। ॾांद जंहिं लाइ लोक ॾाहप जे माहिरनि वटि केतिरियूं ई चवणियूं ऐं पहाका बैत ऐं मौसमनि जे मटिजण जा उञाण हुआ, से सभु जहिड़ो कर वक़्त जे वहकरण में वही वञण वारा आहिनि। ॾांद जंहिंजी जाइ ट्रैक्टर ऐं गॾह जी वालारी आहे, उनखे स्कूलनि में उहा जाइ न मिली सघी जेको हुन जो हक़ हो। उन्हनि कॾहिं बि स्कूलनि में उहा जाइ हासिलु न कई। उस्ताद हमेशह काव ढगीअ ते मज़मून लिखराया। शाइरनि बि ख़ुदा खां शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गांइ बनाई जहिड़ियूं तिखियूं लिखणियूं लिखियूं। जॾहिं ॾांद जो वारो आयो त उन्हनि माघे ढगे जो मुल हज़ार ढगो पेर पेरां जहिड़ा तन जा गीत लिखी वेचारे ॾांद जी दिलि आज़ारी कई। पर शायदि ई कंहिं स्कूल में ॾांद ते को मज़मून लिखारायो हुजे, या कंहिं शाइर खणी ॿ चार चङियूं सिटूं ॾांद लाइ बि लिखियूं हुजनि। सवाइ भिटाई सरकार जे मोहन जे दड़े जी क़दामत खां वठी भिटाई साहिब जी शायरी ताईं हर हंधि मिसाल में मौजूदु ॾांद हाण ॿिन्हिनि मां तड़िजी रुगो मेलनि में भॼण गोए ताईं महदूद थी वियो आहे, जंहिंजे करे सिहत खां वठी मईशत ताईं ऐं मईशत जे करे समाजात ताईं केतिरा ई मसला पैदा थिया आहिनि, जिन खे मुंहुं ॾियण लाइ घणो कुझु करण जा जतन थी रहिया आहिनि, पर उन जे कारण ॾांद खे को बि ॿीहर अपनाइण लाइ तयारु न आहे। भिटाई सरकार तवकल जो ज़िक्र कंदे ॾांद खे ॾाढे ख़ूबसूरती सां हिन रीत ॻायो आहे, जिनी ॾांद न बिज तिन पिण तुंहिंजो आसिरो, अवल ॾींहुं उन्हनि खे पोइ उभारी सिज, ढगे खां अलावा नौजवान ढगे यानी वोहड़े जो ज़िक्र बि शाह साहिब जे कलाम में हिन रीत मिले थो। ॾाघियूं अॾेरनि जे आंदा बर्द बंभूर में हणीअ चील चरा कया वह पई वोहड़नि, खुड़ीअ खुड़को उन जो हूंद सुते सोअ सभनि, ॾांदनि साथ सैद जे प्यादियूं पहुचनि, जिन जो पेर न लॻो पटियनि तिन आयम साण उठनि, कुंगनि ऐं जुंगनि मुंद असूही मेड़िए। शाह साहिब ॾांद सां गॾु गाबनि खे बि हिन रीत ॻायो आहे, वसे तॾहिं वस मुद मिड़ोई मींहं जी, खटरनि खेटा छॾिया
जे मिड़ियूं थे मस गाबा मथे गस दुख न कंदा डुबरा ढगो जेको हर हलर सिमर सुहागे जेको केणे रोटावेटर जी जाय ते कम अचे थो घाणे नार चीचड़े ढगे गारियन खां वींदे बलूचिस्तान में खास तौर ते डुमकियन वट सामान सड़ो खण चढ़ण लाइ बि कम ईंदो हो जंहिंजे पेर में बरकत मंझबी हुई सो अॼुकल्ह रुगो डोड़ ऐं मेल जे नाले ते थींदड़ जुआ जे कमु अचे थो हर ऐं हलर वारा कम ट्रैक्टर ऐं ॿियनि मशीननि संभाले वरिता आहिनि ऐं ढगे गाॾी जी जाइ गॾह गाॾी वालारे छॾी आहे मुंहिंजे दड़े खां वठी अॼु ताईं जॾहिं ढगे गाॾी जी बनावट में को फ़र्क़ु न ईंदो त पोइ ढगे जी जाइ गॾह ऐं रक्षा न वालारींदा त ॿियो छा थींदो बसर सिंधी लाड़े कच्छे धनी इंडियाई अथरी नाड़ वाले जड़न किस्मन ऐं अछे साए बगे गाढ़े बादामी कारे चटकबरे नीरे मलीरे भूरे ऐं बोस्की रंग वारा ढगा जिन लाइ घणे ज़ालनि घर न हले घणे हारे हर न हले ॾंदे ॾांद ढगे जहिड़ो चाकी जे ॾांद जहिड़ो जहिड़ियुनि चवणियुनि खां वठी भिटाए जे बेतिन जिनी ॾांद न ॿिज ऐं ढगो पेर पेरां जहिड़ा गीत रुगो किताबनि ऐं केस्टनि में रहिजी विया आहिनि जेतोणीकि अयूब दौर में सांगड़ जे ठेकेदार जुड़े पहर वारे पुराणी पीढ़ी में बसो में विकामंदड़ ढगनि जहिड़ो ढगो हाणे महांगाई सबबि लख ताईं वञी पहुतो आहे पर हुन में कमाल ढगे खां वधीक जुआ जो बि आहे जेका गो जे नाले ते कई वञे थी बराड़ी जी रोज़ाना साॻी गुज़रंदड़ ज़िंदगी में उहा डोड़ या गोए वॾी अहमियत या तफ़रीह वारी हुजे थी जंहिंजे करे ढगे जो मुल लखनऊ में वञी पहुतो आहे उन सिलसिले में कुझु मिसाल अर्ज़ रखजनि था जिन मां शौक़ ऐं माण्हुनि जे मिज़ाज जी ख़बर पवे थी गपचाणी में जाड़े मलाह जो समन सरकार जे मेले में वरितल लाड़ी ढगो 9 लख रुपियनि में उतरादिन पारां घुरिजी चुको खरड़े जे मीर ममताज जो धाड़े लछू लाड़ी ढगो 5 लख में घुरिजी चुको नवाब शाह में मोहम्मद हसन भगवार जो साजन सवाइ जे मेले मां हरण वारे ढगे लखनि में घुरंदड़ खफ़्ती मौजूदु आहिनि सरहाड़ी में अनवर ज़रदारी में रसे पटी ते हलण वारो ढगो सांगड़ में मुर्तदा लिगारे जो रसे पटी ते हलण वारो पखीअ ढगो खरड़े जे चांगण जो 5 लख में वरितल लाड़ी ढगो भिड़े सांगड़ जे अली खान मरी जो बिसर लाड़ी गोबर हल वारो सांगड़ जे इस्लाम लांडर वारो बुसर ढगो सिंझोरे जे मंज़ूर मरी जी सिंधी ढगी जा उतरादिन पारां 7 लख वाक ॾियण जहिड़ा ॿिया केतिरा ई मिसाल ॻणाइजी सघजनि था जिन मां ढगे जे मान मर्तबे ऐं मुल जी ख़बर पवे थी पर अफ़सोस जो उहो ढगो जेको खेड़ीअ चीचड़े ऐं घाणे में कमु ईंदो हो जंहिंसां लोक ॾाहप जा केतिरा ई उञाण वाबस्ता हुआ उहो मशीनरी जी नज़र थी चुको आहे ऐं उन सां वाबस्ता लोक ॾाहप जा गुफ़्ता बि गुम थियण ते अची पहुता आहिनि बहरहाल उहे मेलाई ढगा जॾहिं गलखोड़ तावीज़ मुछी जनूई रुमाल पेरनि जा छमका नथ नुक़्ता गानियूं गांठिया ऐं सगा पाई वॾा सिंघ पेर काराए सां कटराए सिंघनि खे केस मेंदे तेल लगराए ढगनि जे मशहूरु पीढ़ियुनि ऐं मेलनि में लहंदा आहिनि त हेकर खफ़्तियुनि जे मुंहं में पाणी भरिजी ईंदो आहे मथां वरी झुल ढगे टलियूं ऐं किरक पाए हलंदा आहिनि त केतिरियूं ई दिलियूं खसे वठंदा आहिनि डांदड़ जे मशहूरु पीढ़ियुनि में साजन सवाई समन सरकार जेकमाबा जो केटल शो ऐं सिपी जो मेलो मशहूरु आहिनि उन खां सवाइ दौड़ तलहार चंबड़ टंडो आदम दुम्बालो झुडो बदीन ऐं टंडो साईंदा जूं पीढ़ियूं बि भलनि ढगनि जे अचण ऐं विकिरो थियण जा अहम हंधा आहिनि ढगनि जा खफ़्ती शेरल उमराणी हाजी गुलज़ार लिगारी हकनवाज़ उमराणी अमीर बख़्श कोंभर मोहम्मद मुराद बिरोही मुख़्तलिफ़ नसलनि जे ढगनि जूं मुख़्तलिफ़ ख़सलतूं ॿुधाईंदे उन आधार ई ढगनि खे पसंदि नापसंदि कनि था उन्हनि ढगनि में थरी ढगा लाड़ी ढगा कच्छी ढगा इंडियाई ढगा पारकरी ढगा बिसर ढगा सिंधी ढगा धनी ढगा ऐं उतरादी ढगा शामिल आहिनि सभ खां वधीक पसंदि कयो वेंदड़ लाड़ी जा कन वॾा सिंघनि में कुंडो मुंहुं निढो भले खणी वटे में पियो पाणी पीए लख मोकिरी चमक वधीक पेर गरो पर ढगियूं खीर जूं खुटियूं थियनि थियूं कच्छीअ ढगे जी जान सनीह सिंह सन्हा मथे अंबूरिया कन ऐं टंगूं सनियूं इंडिया ढगो हरण जहिड़ो टंगूं सनियूं मिठावान सिंह कन निढड़ा उन्हनि में कंध जे हेठियां झालर न थिए अछो रंग पेट निढो
इंडिया ढगो अगे बॉर्डर के परे भर खुसूसन खिपरे की पीढ़ी में इंदो हो खफ्तन जो पसंदीदा ढगो हो पर हाँ बॉर्डर से तार लगन सबब ए सख्ती थियण करे उहो अचण बंद थी वियो आहे। अज जडें भी इंडियाई ढगे जो जिक्र निकरे तो खफ्तन के अखियन में अजब जड़ी चमक अचो वे अफसोस जो इंडियाई या को बो हर खाण पीण वारो सामान वींदे मैन पुड़ी ए गुडको त जिते किते आसानी से मिलो वन पर पाबंदी रुगो वेचारे ढगे ते अची पई है। पारकरी ढगे जा सिंह थुला थियन ढगा वडा पर रुगो कासायन जे कम जा हारन जे कम खां जड़ो कर बरो हुजन। बुसर ढगो दलेर कम जो ढो लेख्य वो है सुबह शाम पो वह पर इनकार असल न कद इन नसल में अचो साओ रंग पसंद वे तो इन नसल जी ढगी खीर जी भली थे थी। लोक डाहप के माहिर वट ढगे के वात में बाफ निकरण सियारे के अचण की पेरी पर पुख्ती निशानी मनी वी है। सागे नमूने ढगे के वार छाण के सियारे के वजण कति शुरू थियण से भेटबो है। सावण में जे ढगियों उतर मुँह करे वेहन उन पुठी ते खर जड़ी शे दिसण में अचे त उ बरसात जो अलामतू आन पर जे ढगियों मुँह मथे करे हवा सुंघण जी कन त बरसात अचण जी सोराहाना पक समझजे। जी बलोचिस्तान में ढगो बार डुण के भी कम इंदो है ये हिंदुस्तान में नगर पार्कर उतां हैदराबाद ते वणजारा ढगन ते बार सामान सड़ो खणंदा हुआ जै ढगे ते लिड या चिली रखी चढ़बो है उन पोठी जो ढगो सड़बो है। अगे हलर गाहन वक्त जेका काठी खरे जे विच में खोड़े उन सा ढगा बधे चौधारी हलाइंदा हुआ जै मेर मेढ़ सड़बो हो अड़े नमूने उन सा बधल ढगी के मेढ़ी सड़बो हो। उन हवाले से अज भी पहाको मशहूर है तो मुड़स तो को महेड़ी है माना घण सहो वधीक बर्दाश्त करण वारो है। चवंदा आहिनि त कम जे वक़्त त जवान खे कुझु थिए ऐं न डांद खे चोराणो ढगो भाॻिन में बि वहे त चोरण वटि बि डांद लाइ घाणो ऐं मर्द लाइ जेल बराबरि आहिनि। जीअं घाणे में डांद या घाणे में पिया पीसजूं ढगे जी वफ़ादारी खे ॾिसी भाॻिया त एतिरे ताईं बि चवंदा आहिनि त पुट अवेर सवेर उथण खां जवाबु ॾेई छॾींदो पर ढगो न ॾींदो। एतिरनि सारियुनि ख़ासियतनि लोक डाइप जे निशाननि मेल में दिलि विंदराइण जे बावजूदु ढगो पोइ बि ढगो आहे पर हाणे जॾहिं ट्रैक्टरनि सां हर ऊन्हा नथा काहिजनि त ऊन्हा हर महांगा बि थी विया आहिनि। ज़मीन बि ट्रैक्टरनि सां वोड़नि खे नुक़सान बि थिए थो त भिटाए जो गायल ॾांद माण्हुनि खे वरी यादि अचणु शुरू थी वियो आहे ऐं माण्हुनि वरी नए सिरे सां जोड़ा रखणु शुरू कया आहिनि जेके ढगे खे वोड़नि जे गुड जा हर काहे काफ़ी पैसा बि कमाए रहिया आहिनि। उन्हनि ॻाल्हियुनि ढगे जी कुझु अहमियत वधाई आहे। हीअं बि हाणे माण्हू सम्झी छॾियो आहे त माल रखणु लाज़मी आहे। हारियुनि तोड़े ॻोठनि जे आम माण्हुनि जी गुरबत में इज़ाफ़े जो वॾो सबबु इहो बि आहे त माण्हुनि माल धारणु छॾे ॾिनो आहे। बसि अलाह कंदो अहिड़ो बि वक़्तु ईंदो जो जिते किथे ढगनि जो मान थींदो लॻे थो त हाणे उहो वक़्तु घणो परे कोन्हे। हीअ ख़ूबसूरत मज़मून असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं जेको लिखियलु हो नामियारे लेखक नवाज़ कुंभर जो। इन ते प्रोग्राम सोच वीचार जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां नींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा देस परदेस सारा वसनि कॾहिं सींद सिंजी न मेरी थिए कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि। दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तिसादियात तारीख़ कौमी उमंगुन
اخلاقیات متعلق سندھ جی حقیقی ترجمانی کندے پروگرامن کے اثرائتو بنائن لائے سندھ جے گھن گھرن این دھرتی سا پیار کندڑ ادیبن دانشورن صحافین استادن وکیلن این ہر طبقے جے مانوارن سجنن کے سندھ میں شعوری انقلاب لائے سہکار جو سڈ ڈیوں تھا اچو تو گجی صوفین این سنتن واری سندھ جو اوج ہک مٹھ تھی وری واپس آن والے سفر جا ساتھاری بن جاؤں ایک نئے صبح جی شروعات جو پڑا دو گھر گھر گوٹھ گوٹھ این شہر شہر تائیں پہنچایو شال سندھ آباد این خوشحال تھیے سندھی مانو سکھیو این ستاو تھیے